और तब से लेकर के आज तक इस परिवार के साथ अपार स्नेह, अनगिनत घटनाएं मेरे जीवन का हिस्सा बन गई। मेरे लिए लता दीदी सुर साम्राज्य के साथ साथ, और जिसको कहते हुए मुझे गर्व अनुभव होता है, वो मेरी बड़ी बहन थी। पीढ़ियों को प्रेम और भावना का उपहार देने वाली लता दीदी, उन्होंने मुझे हमेशा उनकी तरफ से एक बड़ी बहन जैसा अपार प्रेम मिला है। मैं समझता हूं इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। शायद बहुत दशकों के बाद ये पहला राखी का त्यौहार जब आएगा, दीदी नहीं होगी। सामान्य तौर पर किसी सम्मान समारोह में जाने का, और जब अभी हरीश जी भी बता रहे थे कोई सम्मान ग्रहण करना, मैं थोड़ा उन विषय में दूर ही रहा हूं, मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता हूं। लेकिन पुरस्कार जब लता दीदी जैसी बड़ी बहन के नाम से हो, तो ये मेरे लिए उनके अपनत्व और मंगेशकर परिवार का मुझ पर जो हक है, उसके कारण मेरा यहां आना एक प्रकार से मेरा दायित्व बन जाता है। और ये उस प्यार का प्रतीक है। और जब आदिनाथ जी का संदेश आया, मेरे क्या कार्यक्रम है, मैं कितना बिजी हूं, कुछ पूछा नहीं। मैंने कहा भैया पहले हा कर दो, मना करना मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है। मैं इस पुरस्कार को सभी देशवासियों के लिए समर्पित करता हूं। जिस तरह लता दीदी जन जन की थी, उसी तरह उनके नाम से मुझे दिया गया है पुरस्कार भी जन जन का है। लता दीदी से अक्सर मेरी बातचीत होती रहती थी, वो खुद से भी अपने संदेश और आशीर्वाद भेजती रहती थी। उनकी एक बात शायद हम सबको काम आ सकती है, जिसे मैं भूल नहीं सकता हूं। मैं उनको बहुत आदर करता था, लेकिन वो क्या कहती थी, वो हमेशा कहती थी मनुष्य अपनी उम्र से नहीं अपने कार्य से बड़ा होता है। जो देश के लिए जितना करे वो उतना ही बड़ा है। सफलता के शिखर पर ऐसी सोच से व्यक्ति की महानता, उसका हमें एहसास होता है। लता दीदी उम्र से भी बड़ी थी और कर्म से भी बड़ी थी। हम सभी ने जितना समय लता दीदी के साथ गुजारा है, हम सब जानते हैं कि वो सरलता की प्रतिमूर्ति थी। लता दीदी ने संगीत में वो स्थान हासिल किया कि लोग उन्हें मां सरस्वती का प्रतिरूप मानते थे। उनकी आवाज ने करीब 80 सालों तक संगीत जगत पर अपनी छाप छोड़ी थी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।